चलिए ध्यान दीजिए इधर। ए लास्ट क्लास में 8.2 कंप्लीट करवाए थे, कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस का है, देख लीजिए ठीक है। कुछ क्वेश्चन एक बचा हुआ इधर मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन है, वो करवा देते हैं। करवाने के बाद आपको चालू करेंगे कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन चलिए देखिए। हल्ला नहीं, देखो कुछ का सिर्फ है ना फिगर बना देंगे आपसे बन जाएगा। जैसे ना हम क्वेश्चन नंबर पहला मिसलेनियस का हो चुका है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स देखिए ऐसा है, फिगर बनाएंगे बन जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जी किस पर बनेगा पैराबोला, वाई पर, तो अपवर्ड कैसे, सब कोशिश कीजिए समझा सकते हैं। इक्वेशन आपके कॉपी में है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, 10 को फिगर लिखवाए थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है कोई, देखिए पैराबोला में चार वो पैराबोला था, तो ये तीसरा या तीसरा वाला होगा, और ये क्या है y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x मैंने सीधा लाइन ओरिजिन से पास करता है। देखिए आप सब कॉपी में है आपके, तो ये यहाँ से, तो इसका एरिया निकालना है, तो किस में से किसको घटाइएगा, लाइन में से नीचे वाला घटता है, तो लाइन में से पैराबोला। चलिए जल्दी कीजिए सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या, विच रिप्रेजेंट जल्दी पेन नहीं चला, इजी है क्वेश्चन, सब बताया हुआ है। याद कीजिए पॉइंट नहीं रहता है तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू ये वाई वाई इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू देखो जी LHS दोनों का सेम है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स, दोनों को घटा दिए गया तो ये जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या कॉमन, एक्स, तो एक्स कॉमन किए, तो एक बार x इक्वल टू जीरो, एक बार x इक्वल टू वन, पुटिंग वेन x इक्वल टू जीरो, पुटिंग इन इक्वेशन वन सॉरी टू, तो y इक्वल टू जीरो, वेन x इक्वल टू वन, पुटिंग इन इक्वेशन टू, तो y इक्वल टू वन। देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो देखिए ए x का दो वैल्यू आया ना,
इधर इधर x का दो वैल्यू, तो जीरो रखेंगे तो y भी जीरो, वन रखेंगे तो y भी वन। तो सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन वन एंड टू आर, एगो ओ कर लेते हैं ओरिजिन जीरो जीरो, और दूसरा कर लेते हैं पी वन कॉमा, देखो जी यहाँ कितना जीरो जीरो, और दूसरा यहाँ इंटरसेक्ट किया तो कितना उसको पी, तो कितना हो गया वन कॉमा। किस में से किसको घटाने के लिए बोले हो? लाइन में से नीचे वाला हमेशा घटता है, माइंड वेकअप कर लो, नीचे वाला हमेशा घटता है। इधर हो गया है, इधर कर जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है अब। ये हटा रहे रिक्वायर्ड ना, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा तो जल्दी से बन सकता है, नहीं तो किसमें से किसको? एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए हाँ इधर ध्यान दो, कहाँ से कहाँ लिमिट, कहाँ से कहाँ इधर लिमिट, कहाँ से कहाँ जीरो से होगा ना, तो यहाँ m रहेगा तो ये वन कॉमा जीरो, तो जीरो से वन, और किस में से किसको घटा रहे हो? लाइन, तो लाइन वाला का इक्वेशन टू है तो यहाँ क्या लिखोगे? इक्वेशन टू वाला माइनस इक्वेशन वन वाला। अरे लाइन में से पैराबोला को क्या घटा रहे हैं, तो लाइन का क्या था इधर इधर थोड़ा सा, लाइन को टू कहें और पैराबोला को क्या कहें? वन। तो वाई बराबर बोलो, तो वाई बराबर क्या? एक्स। और वाई बराबर एक्स स्क्वायर। चलिए बोलो जी, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय में टू, एक्स क्यूब बाय में थ्री, अब क्या अपर माइनस लोअर, तो ये हो जाएगा सिक्स, तो थ्री जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं चाहिए हमको। चलिए एग्जाम्पल सिक्स भी है ना, एकदम सेम बनेगा एग्जाम्पल सिक्स, एक पैराबोला ऐसे गया, एक पैराबोला ऐसे गया, देख लो ए एक ऐसे, तो उसका भी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जीरो जीरो, एक वन वन है, तो सिर्फ किसमें से घटाना है वो याद रखिएगा, अपर माइनस लोअर। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री हम बता दिए थे एक मिसलेनियस का, फोर देखिए, फोर इजी है, सिर्फ मॉडुलस के चलते हैं ना वो बता रहे हैं, उस पर स्केचिंग करना है, स्केच पर भी नंबर दिया है, यानी कि फिगर पर चार नंबर का क्वेश्चन है, तो फिगर पर मिलेगा आपको नंबर, ही में कह रहा है कि क्वेश्चन ही में कह रहा है कि स्केच कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, स्केच द ग्राफ ऑफ
एंड इवेलुएट चलिए इधर ध्यान दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए समझने का। मॉडुलस हटता है ना, हाँ, मिसलेनियस का फोर, मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रहा है। चलिए देखिएगा, इधर ध्यान दीजिए, मॉडुलस, मॉडुलस हटता है ना तो अपोजिट में क्या लेकर आता है, प्लस माइनस, क्या लेकर आता है, प्लस माइनस। तो इसका दो साइन होगा, एक प्लस हो जाएगा एक्स प्लस थ्री और दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस होगा ना। तो बोला गया था ए मॉडुलस के बारे में पढ़ा चुके हैं, ध्यान दो, जो यहां दिया रहता है उसको जीरो कर लिया जाता है, तो जीरो कीजिएगा तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, कौन है माइनस थ्री, तो ये यहां चलेगा ना, तो एक्स का वैल्यू माइनस थ्री से बड़ा या थ्री के, माइनस थ्री के बराबर, और दूसरा चलेगा तो ये क्या, माइनस थ्री से छोटा, ठीक। अब इसका ये स्केच करना है, फिगर बनाना है, तो याद होगा आप लोगों को मॉडुलस का ऑलवेज ग्राफ, इधर मॉडुलस का ऑलवेज बनता है ना फिगर, तो भी शेप का बनता है, कैसा बनता है, भी। तो इसको स्केच करना है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ दो पार्ट में बांट दिए, वाई बराबर एक्स प्लस थ्री और एक्स का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ बॉक्स बना है, स्केच करना है तो थोड़ा सा दिखाएंगे ना, नहीं तो डायरेक्ट भी बता देते हैं हम। तो यहाँ देखिए एक्स और ये क्या वाई, तो एक्स का माइनस थ्री रखें, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री रखेंगे तो एक्स का माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, माइनस थ्री से बड़ा रखना है माइनस टू, तो माइनस टू जैसे ही रखेंगे ना तो ये वन, फिर माइनस टू के बाद माइनस वन, तो माइनस वन रखेंगे तो टू, अब क्या रखेंगे जीरो, रखते जाएंगे ना कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाना, लेकिन बोला है कि हाईएस्ट जाना है तो जीरो ही तक जाना, ठीक है, तब क्या रखेंगे जीरो रखेंगे, जैसे ही जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा थ्री, अब वन रखेंगे तो ये वन रखेंगे तो फोर होते जाएगा, चलते जाएगा ना। अब इसका हुआ एक, अब यहीं पर अब इसका बात कर लेते हैं, वाई इक्वल टू, ठीक, एक्स का वैल्यू माइनस थ्री नहीं, माइनस थ्री से छोटा, चलो बोलो, थ्री नहीं रखना है, थ्री तो तू रख ही चुका है माइनस थ्री, तो माइनस फोर, तो जैसे ही माइनस फोर रखोगे, बोला गया ना मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव देखता है, तो देख वाई का भी कभी निगेटिव आ रहा है क्या, नहीं। इसमें भी देखना वाई ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, तो बोलो माइनस फोर जैसे ही रखेगा तो माइनस फोर और प्लस थ्री तो माइनस वन, लेकिन आगे में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब माइनस फाइव, तो माइनस फाइव रखेंगे तो माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस सिक्स तो माइनस थ्री, तो माइनस माइनस बोलवे किया है कि एक्स कहाँ तक जाएगा, जीरो से, यहाँ तक क्लियर। अब फिगर देखिए, स्केच पर कह रहा है, क्वेश्चन ही में कह रहा है स्केचिंग, तो इसका मतलब वो उस पर भी नंबर अवेलेबल करवाया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ईजी है। देखो क्वेश्चन, अरे सब बोर्ड में नहीं आया है तो मतलब दिया हुआ है, पढ़ना है ना। अब बोलिए, कोशिश कीजिएगा, एक्स का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव में है क्या, इधर
x कोई पॉजिटिव में है नहीं, तो सब निगेटिव ही में है, तो इधर ना के बराबर होगा मेरा फिगर, इधर क्या रहेगा ना के बराबर, तो यहाँ जीरो एको दे देते हैं वन, और इधर क्या माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, ठीक है। ऊपर में कहाँ तक जाएंगे, ऊपर में हार्डली वाई का देखिए कहाँ तक गया है, थ्री तक गया, तो यहाँ वन टू थ्री फोर, और इधर माइनस में माइनस वन। चलिए इधर बोर्ड पर नजर रखिए, फिगर समझना चाहते हैं तो जी माइनस थ्री पर जीरो, तो एक्स का माइनस थ्री तो उस पर कितना जीरो, एक्स का माइनस टू तो टू माइनस टू तो ये वन, ठीक है। अब क्या एक्स का माइनस वन तो वाई का टू, तो एक्स का माइनस वन तो वाई का टू, अब जी एक्स का जीरो तो वाई का थ्री, तो एक्स का जीरो तो वाई का थ्री हुआ ना। अब आ जाइए ये वाला को देखिए, तो ये एक्स का माइनस फोर तो वाई का वन, तो माइनस फोर तो ये वाला, माइनस फाइव टू तो टू, माइनस सिक्स माइनस सिक्स तो थ्री, ठीक है। अब देखिए इसको मिला रहे, इसका कभी कभी यूज भी तो होना चाहिए, तो देखिए ऐसे गया, आइए चलिए देखिए ये ऐसे ही चला जाएगा ये, तो हमको कहाँ से कहाँ तक का लिमिट लेके चलना है ध्यान दीजिएगा, माइनस सिक्स से जीरो, तो ये मेरा वी शेप का ग्राफ बन गया। अब इसका एरिया चाहिए, तो एरिया चाहिए तो माइनस सिक्स से जीरो, तो ये बाउंड्री हो गया माइनस सिक्स, ये क्या हो गया जीरो, तो ये वाला एरिया चाहिए हमको, देख लीजिए आप लोग सही है। आ इसका इंटीग्रेशन तो डिफिनिट पढ़ा रहे थे ना प्रॉपर्टी, तो उस समय बताए थे हम कि मॉडुलस हटता है उस जीरो कर लेते हैं, फिर रेंज लेकर चलते हैं, जो लिमिट दिया रहता है ब्रेक करते हैं, ए से बी था तो ए से बी वन, बी वन से बी टू, ऐसे करके गए थे। यहाँ तक पहुँचिए, ना चलिए लिमिट मॉडुलस हटता है तो दो साइन हो जाता है, तो कहां से कहां तक लिमिट जाएगा देख के बोलिए अपने से, यहां पर है एक बार फिगर भी है, तो माइनस सिक्स से माइनस थ्री से जीरो, तो ये मॉडुलस हटा, तो मॉडुलस हटता है तो दो साइन, तो एक बार चलेगा माइनस सिक्स से माइनस थ्री, और यहां एक बार माइनस थ्री से जीरो, हाँ जी कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव या निगेटिव, ये वाला ग्राफ ही आपको क्या दिया था, ये ना दिया था, तो ये दिया था तो ये वाला साइन या मॉडुलस हटता है तो बोले थे ना एक बार एक प्लस माइनस होता है, तो ये वाला कौन साइन दे देगा निगेटिव, आई कौन दे देगा पॉजिटिव, देगा ना, तो मॉडुलस हटा जल्दी यहाँ तक कीजिए, तो इधर आ जा रहे हैं, ये हट हो गया है ना,
यहाँ ये हटा रहे, देखिए मॉडुलस हटा तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ आए हैं तो माइनस सिक्स से माइनस थ्री, तो ये इसका ग्राफ है तो ये आपका निगेटिव में है। चलिए इसका इंटीग्रेशन आपका इजी है, बोलो इसका इंटीग्रेशन तो पढ़े हो, x का x स्क्वायर बाई में 2, 3 का 3x माइनस सिक्स से, हाँ इसका भी x स्क्वायर बाई में 2, ये क्या 3x माइनस 3 से 0। अब क्या कर लेना है, अपर माइनस लोअर, फिगर हटा दें जल्दी कीजिए, रख लीजिए अपर माइनस लोअर, फास्ट कीजिए, कर लिए अब क्या कर लीजिए अपर माइनस लोअर, फिगर अब हटा रहे, देखिए फिगर में इक्वेशन को मेंशन करना होगा, कर दीजिएगा आपने, बोलिए इधर अपर लिमिट रखेंगे, बोर्ड पर नजर रखो, अपर रखेंगे तो माइनस थ्री का स्क्वायर 9, तो 9 इधर 9 बाई में 2, यहाँ माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस 9, तो अपर हो गया, अपर माइनस लोअर, तो लोअर में कितना है माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा कितना 36, 36 बाई में 2 18, ये रखिएगा तो माइनस 18, अपर लोअर इसमें हो गया। अब आ जाइए इसमें, देख लीजिए थोड़ा सा, अपर रखेंगे तो 0 माइनस लोअर, तो ये हो जाएगा 9 बाई 2 आई माइनस 9 हो गया अपर लोअर। अब आ जाइए यहाँ पर, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये कितना, ये तो गया गया ना, तो ये जी 9 बाई 2 तो ये 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9, तो माइनस 9, 9 बाई 2 तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या, ये भी 18, 18 में से 9 गया तो 9, माइनस 9 बाई 2 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ना 4.5 और 4.5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 और एग्जाम्पल नंबर 13 एक जैसा है, क्वेश्चन में साइन का दे दिया है और एग्जाम्पल में है जो कि कॉस का दे दिया है, साइन और कॉस है ना। एग्जाम्पल नंबर 13 जो कि साइन कॉस इनवर्स कॉस का है और क्वेश्चन में है जो कि साइन का है, और साइन का भी फिगर बताए थे और कॉस का भी फिगर आपको बताया हो, कंटिन्यू रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन बिटवीन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2π, जल्दी x इक्वल टू 0, चलिए ना देखना था, देख ली जल्दी बनाइए, बैठे हुए आराम से, हे साइन का ग्राफ इधर, साइन का ग्राफ ऐसे सिखाए थे कॉपी में होगा, ऐसे चलते रहेगा, कंसंट्रेट कीजिए, तो ये 0, यहां 90 होता है, यहां 180, 3π/2
टू और यहाँ क्या 2 पाई, ठीक है। तो हमको कहाँ हाईएस्ट, हाईएस्ट यहाँ जाता है जो कि 1 कहलाता है और लोएस्ट यहाँ जाता है जो कि क्या कहलाता है माइनस। तो क्या बोले थे हम लोग, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो इसका फिगर, इसका एरिया जितना आएगा इसका भी एरिया उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, जितना ऊपर उतना नीचे। तो 0 से 180, 180 से 360, तो 2 पाई दोनों का सेम ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला का निकालते हैं और उसमें 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा भी ऑप्शन है, यहाँ 0 से 180 जाएंगे, फिर 180 से 360 जाएंगे, लेकिन ये नीचे है, तो नीचे है तो आगे में मॉडुलस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाला एरिया हमेशा निगेटिव देता है, तो निगेटिव तो एरिया नहीं होता है, पॉजिटिव। तो दो ऑप्शन है आपके, टूस वाला, तो 2 वाला जल्दी बन जाएगा। तो देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में आया है, आंसर रटवा दिए हैं, 4 4 4 रट लीजिए। सोल्यूशन वाई बराबर साइन, कहाँ से कहाँ, तो x बराबर 0 से, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया देखो जी, ऊपर नीचे के लिए 2 लगा दिए यहाँ पर, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 180, 0 से 180 हवाई का वैल्यू साइन, ठीक है। और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अब बोलिए माइनस 2 को बाहर कर लिए, इधर माइनस 2 को बाहर कर लिए, अब अपर माइनस लोअर, तो एक बार 180 रखेंगे। हाँ जी, कॉस 180, 180 का मतलब होता है 0 डिग्री के बराबर, तो कॉस 0 1। तो ये ऐसे हम लोग ऐसे याद की करवाए थे, यहाँ 0 है तो यहाँ 180, तो इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव। तो बोलिए 180 मतलब इसी लाइन पर है, तो इधर 0 होता है, तो कॉस 0 1 होता है, तो 180 क्या हो जाएगा माइनस 1, और ये कॉस 0 क्या होता है 1, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो 4। जल्दी दूसरा क्वेश्चन कॉस वाला भी बता ही दे दें। बना लीजिएगा कॉस वाला ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए, 6 हो चुका है, 7 भी बता चुके हैं, 8 9 भी बता चुके हैं, 10 भी हो चुका है, 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 फास्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 Using the method of find the area bounded by चलिए इधर कंसंट्रेट कीजिएगा। ए मॉडुलस का 2 साइन,
कितना? दो। तो इसका अपना प्लस माइनस और इसका अपना प्लस माइनस होगा ना, तो इसका दो और इसका दो, तो दो और दो कितना? चार। सोचिए अभी मैं लॉजिक चलेगा, है इजी लेकिन समझना होगा आपको। फिगर बहुत इजी है, समझने का कोशिश कीजिएगा। गिवन यही है ना। अब सपोज कीजिए ऐसे ऐसे चल सकता है, मॉडुलस हटता है तो दो साइन बोले हैं ना सर, प्लस माइनस। तो सपोज कीजिए कि दोनों प्लस होगा, चार को घर होता है ना, कितना घर? चार। तो ऐसे हो सकता है व्हेन एक्स भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव माने जीरो से बड़ा, ठीक है, और वाई भी पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव मतलब क्या, जीरो से बड़ा, पॉजिटिव माने जीरो से बड़ा। तो दोनों जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, बोल ही नहीं रहा है। अब क्या हो सकता है व्हेन एक्स क्या रहेगा, निगेटिव हो जाएगा, जीरो से छोटा, और उस समय वाई क्या रहेगा, जीरो से बड़ा ही रहेगा। अरे घर के अनुसार चल जा रहे हैं, पहला घर में दोनों पॉजिटिव और ये घर में एक्स निगेटिव होता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, और ये घर में पॉजिटिव निगेटिव, यही ना होता है एक्स और वाई। चलिए पहला में दोनों पॉजिटिव हुआ, दूसरा में हो सकता था एक्स निगेटिव तो वाई पॉजिटिव, तो एक्स निगेटिव तो y पॉजिटिव। फिर तीसरा में क्या हो सकता था, इसका दो कह सकते हैं कि x का भी दो गो साइन है पॉजिटिव निगेटिव, और y का भी दो साइन है पॉजिटिव निगेटिव, और उसको मिक्स करके टोटल कितना बना दिए हम, चार। जब टू पॉजिटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव हो सकता है, टू निगेटिव रहेगा तो वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव। तो ऐसे कंडीशन। अब बोलिए व्हेन x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तो एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव होगा ना। चौथा क्या होता, व्हेन एक्स क्या रहता पॉजिटिव और वाई क्या रहता निगेटिव, ऐसे क्लियर। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, एनालिसिस करना ऐसे है बहुत इजी, है बहुत इजी। फिगर देख के लगेगा कि हाँ सर रियल में यही फिगर होगा। देखो बोलो फिगर अब बनाने चले, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन और इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, ठीक है। तो इसके नीचे वन इसके नीचे वन, तो इसको हम पढ़ाए थे इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, एक्स बाई में ए वाई बाई में बी इक्वल टू वन। तो इसका जब फिगर बनेगा तो ये लाइन बनेगा, आया ना, समझ सकते हो। देख लो अपना कॉपी निकालो और देखो लाइन वाला में, तो यहाँ लिखे थे ए तो वन कॉमा जीरो, इसके भी नीचे तो वन ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी, तो ये भी कितना जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा वन। अब सर इसी को कोई इधर ध्यान देगा, इसी को कोई ऐसे भी तो लिख सकता था, एक्स बाई में माइनस वन वाई बाई में वन इक्वल टू वन। तो एक्स का वैल्यू माइनस वन जीरो और वाई का जीरो जीरो कॉमा वन, तो इसका जब बनाते ना तो ये बनता। देख लीजिए एक्स का कितना बोले आप, माइनस वन माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो, तो माइनस वन माइनस वन आई जीरो, ठीक। आई इसका कितना बोले हैं जीरो वन जीरो वन जीरो वन, आया समझ में। अब तीसरा वाला का क्या बोल सकते थे सर, देखिए तीसरा वाला का क्या बोलते, एक्स बाई में माइनस वन और वाई बाई में माइनस वन आता, तो ये क्या ये वाला का वैल्यू बोलिए, माइनस वन जीरो तो माइनस वन जीरो, और ये वाला का जीरो माइनस वन तो जीरो माइनस वन नीचे होगा, तो इसका ऐसे जाए इसका ऐसे, तो ये हो गया डी कितना जीरो माइनस वन,
अब इसका करते तो इसको कितना x by में 1 और y माइनस होगा, तो इसका कितना x का 1, 0 तो 1, 0 और y का 0, -1, 0, -1 ये ठीक है। तो ये सबसे बराबर, सबसे बराबर आएगा ना, तो ये बोलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0, 0। चलिए सर सुनिए, इस सब का एरिया निकालना है तो इसका निकाल के 4 से क्या कर देंगे, इसका इक्वेशन कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 1 है ना, उसी तरह से सबका निकल गया तो इसका निकालते हैं इसमें 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। समझ में आया कि हम ही समझ रहे हैं, जल्दी बनाइएगा। सबका निकालना है तो हम एक बाउंड्री बनाए उसमें 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ ना रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू बोलो जी 4 कर दे रहे हैं शॉर्ट में, 4 कहाँ से कहाँ, 0 से 1 वाई डी एक्स, वाई डी एक्स वाई का वैल्यू 1 - x होगा ना, देख लो जल्दी यहाँ तक पहुँचिए। तो ये हो गया 4 आई 0 से 1 और 1 क्या बोले हो जी y - x इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देख लो जगह है, यहाँ देख लो इधर 4 का हुआ नहीं अब 1 का x x का x स्क्वायर बाई में 2 लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 1 अपर लिमिट लोअर तो 0 है तो ये 4 अरे ये तो ऐसे ही तू लोग बोल देता, देखो ये ना यहाँ से यहाँ 1 है ये भी क्या है 1 होगा तो ये 1 होगा तो पैथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे ना तो ये आ जाएगा √2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √2। तो ये एक तरह से स्क्वायर बन गया और ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 ठीक है, ये बन जाएगा एक तरह से स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर का तो तुम लोग जानते ही हो क्या होता है साइड का स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसे भी चल जाएगा। अपना देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 12 बता दिए हैं। चलिए देखिए 16 में क्या कह रहा है, गिवन में दे दिया है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व is y equal to xq, y equal to xq और कहाँ से कहाँ कहाँ है x equal to -2 से 1 तक, x equal to -2 से 1 तक। जब इसका ग्राफ बनाओगे ना देखोगे xq का हम नहीं बताए थे, ध्यान दीजिएगा इधर कंसंट्रेट कीजिए समझना चाहते हैं तो x आइए y
एक्स का वैल्यू कोई रखा जीरो तो वाई भी, एक्स का वन रखा तो वाई भी, देखिएगा एक्स का टू रखा तो एट हो गया सर। अब आ जाइए इधर, निगेटिव में भी रखना है, देख रहे हैं माइनस टू तक गया है, तो एक्स का माइनस वन कोई रखा तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस टू रखा माइनस एट होगा। अब इसका फिगर बनाना, तो फिगर ये हो गया, तो यहाँ जीरो वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इधर तो कम ही है, एक्स वाला तो कम ही है, वाई वाला क्या है बहुत ज़्यादा है, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, एक्स वाला के तरफ नहीं ना है ज़्यादा, वाई वाला कहाँ तक गया है एट तक, तो ये क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये वाई एक्सिस, नीचे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, चलिए नजर रखिएगा बोर्ड पर, इधर जीरो तो वन तो टू तो टू तो एट, ठीक है माइनस वन तो माइनस टू तो ये, तो इसका ग्राफ बनाइएगा ना तो ऐसे बनेगा टेंजेंट टाइप का, इधर ये बोलिए सर एरिया कहाँ से कहाँ तक उबोला है, देख के बोलिए, यहाँ से एक्स का वैल्यू इधर देखो, नहीं तो हमको भी नहीं आ रहा समझ में, एक्स का माइनस टू तो माइनस टू यहाँ है ना, तो ये वाला लाइन यानी कि ये वाला, ठीक है इधर कितना तक बोला है एक्स इक्वल टू वन, तो वन मतलब ये वाला, तो ये हाँ यहाँ से बोला है ना माइनस टू से वन, तो ये माइनस टू से जीरो तक जाएंगे और जीरो से वन तक जाएंगे, आई नीचे में है तो नीचे में है तो निगेटिव आएगा, तो मैं क्या लगा देंगे मॉडुलस, ठीक है ना। चलिए चालू रहिए, रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस टू से जीरो, इधर जी माइनस टू से जीरो वाई डी एक्स, हाँ इधर थोड़ा सा फंसे हुए हैं, थोड़ा सा जवाब देना, मॉडुलस लगा दिए हैं, क्यों लगाए हैं किसी को दिक्कत है, नीचे थे तो नीचे तो निगेटिव ही देगा, आई एरिया ऑलवेज गिव पॉजिटिव, अब यहाँ क्या हो जाएगा जीरो से बोल रहे यार जीरो से तो जीरो से वन, चलो वैल्यू बोलो y का x क्यूब y का x क्यूब, x क्यूब का इंटीग्रेशन जानते ही हो, x पर पावर फोर बाय में फोर, फिर हो गया, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर रखोगे तो जीरो और लोअर रखोगे तो
ए बोलना यार, लोअर रखोगे तो माइनस टू पर पावर फोर तो 16 और 16 बाई में 4 तो 4 तो 4। मॉडुलस क्यों दिया गया है, किसी को दिक्कत? मॉडुलस नहीं देते ना तो ये हटा दो ना, देखना आंसर में भी वो दिया हुआ है जितना तू सोच रहा है ना, वो भी देता है। कोई मॉडुलस हटा देगा तो ये माइनस फोर आई करोगे ना थोड़ा देर के लिए, गलत भी, गलत सीखना भी जरूरी है तभी सही सीख पाओगे। तो यहाँ क्या 1/4 और लोअर तो 0 है इसका, तो इसका जब गलत बना रहे हैं तब तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे ना तो 16 माइनस 16 चार लोगे ना एलसीएम तो माइनस 16 माइनस 16 में से 1 जाएगा तो माइनस 15। देखो माइनस 15 बाई में 4 भी है, ऑप्शन में है, ऑब्जेक्टिव है ना, तो जो आप सोचते हैं वो भी तो सोचता है। तो ये एरिया है और एरिया ऑलवेज गिव पॉजिटिव, तो यहाँ क्या रहेगा मॉडुलस, तो ये मॉडुलस में निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या 1/4 तो एलसीएम लेंगे तो 4 तो 16 16 1 17। अब देखिए अब कौन सा ऑब्जेक्ट ऑप्शन सी की डी, अब डी हो गया निगेटिव रखते ना तब भी तो कंफ्यूजन वो खुद देता है कि आप जितना सोच रहे हैं तो अभी तो सोच ही के ना बनाया होगा। एरिया जब भी पूछे, एरिया जब भी पूछे, एरिया ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मारते रह 17 ध्यान दीजिएगा 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छों में अच्छा है। y इक्वल टू एक्स और साथ में मॉडुलस दे दिया, फिगर इंपॉर्टेंट होने वाला है, x है और साथ में क्या दे दिया है मॉडुलस, और कहां से कहां लिख दिया है x इक्वल टू माइनस 1 से 1 तक, माइनस 1 से 1 तक। समझिए, कोशिश कर सकते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए मॉडुलस हटता है ना तो कितना साइन, 2 साइन। ए लड़का इधर ध्यान दो, तो दिख रहा है हमको तो फ्यूचर दिख ही रहा है, मॉडुलस हटता है तो 2 साइन, एक बार प्लस है एक बार माइनस। सुनिए जब ये प्लस होगा तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, जब ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, बोल ही नहीं रहा है जब ये, तो ठीक तो ये क्या देखो ना, तो सोया हुआ रहेगा का, क्या बोले मॉडुलस हटता है तो 2 साइन, तो एक बार प्लस तो प्लस होगा ये प्लस तो ये एक्स है एक्स इंटू एक्स, जब माइनस रहेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ आप लोग पढ़े थे, देखिए कॉपी में देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर, तो देखो देखो जब तक नहीं देखोगे नहीं आएगा, पाराबोला क्या बनेगा, पाराबोला किस पर बनेगा y पर, तो ये देखिए ऐसे, और ये पाराबोला कैसे नीचे, अभी गलत बना रहे हैं, अभी फिर से और इसको रिकैप करेंगे, ये पूरा नहीं अधूरा है, ये बनाते पाराबोला ये बनाते हम, लेकिन लेकिन ये क्या कह रहा है, ये पढ़ना पड़ेगा इधर, ए इधर देखो ये क्या कह रहा है 0 से बड़ा, तो इधर वाला तो उसका 0 से छोटा ना है, तो ये वाला पार्ट हट जाए, नहीं समझे, x का वैल्यू कहां से लेके चलना है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इधर होता है, अभी वाला पढ़ो x का वैल्यू 0 से छोटा, तो इधर तो 0 से बड़ा है x, तो ये वाला है ये पाराबोला वन, और कहां से कहां तक, यहां साफ साफ कह दिया माइनस 1 से 1, तो यहां 0 होगा, तो यहां सपोज करो कितना होगा माइनस 1 और इधर सपोज करो कितना होगा 1 होगा, होगा ना, तो ये वाला ये एरिया चाहिए। बोलिए किसी को दिक्कत, रफ में अपना खींचना है तो ये वाला दे देना, हम नहीं कह रहे हैं मगर रफ में है, ये नहीं चलेगा क्योंकि मॉडुलस जैसे बोलता है वैसे करना पड़ता है।
मॉडुलस बोला ये जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा इधर है, आ इधर बोला जीरो से छोटा, ठीक है। तो दोनों तरफ का लिमिट सेम है, इधर देखो जीरो से वन आ इधर जीरो से माइनस वन, तो दोनों तरफ का लिमिट सेम है, तो सेम है तो इधर का बनाइए और टू से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या कर दीजिए टू से मल्टीप्लाई, तो रिक्वायर्ड एरिया तो टू कहाँ से कहाँ जीरो से वन और वाई डी एक्स, बोलो जी वाई बराबर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, बोलिए ये टू क्यों दिया है समझा, ये टू क्यों दिया है समझा, जितना इधर है उतना ही इधर है, जब दोनों तरफ बराबर रहता है तो टू लगा के बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टू आई एक्स स्क्वायर का क्या एक्स क्यूब आई में थ्री और जीरो से वन। अब जी अपर माइनस लोअर, देखो आंसर टू बाई थ्री है, टू बाई थ्री यानी कि सी। जल्दी कीजिए लास्ट क्वेश्चन, एक और है छोटा सा, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एटीन बताया हुआ है, देखिए 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा इसमें, द एरिया बॉन्डेड ए बाई वाई एक्सिस, कौन एक्सिस के लिए चाहिए, और वाई बराबर कॉस एक्स और वाई बराबर साइन एक्स, और कहां से कहां तक, तो जीरो से, चलिए हम छोटा सा है ध्यान दीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा, बोलिए ज्यादा दूर तक नहीं ग्राफ बनना चाहिए, जीरो से 90 है तो 90 है तो साइन का ग्राफ इधर देख लो थोड़ा सा, साइन का ग्राफ यही ना होता है, बोलना है या ना, देखो जी इधर, नहीं तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, साइन का जीरो से 180 लेकिन 90 तक चाहिए था, तो यहाँ 90 होगा पाई बाई टू, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाएंगे नहीं तो एकदम छोटा सा में दिखेगा ही नहीं आपको, साइन का ऐसा भी जाएगा, तो यहाँ क्या 90 यहाँ जीरो और यहाँ क्या 180, क्लियर। अब कॉस का, कॉस का तो कॉस यहाँ से चलता है जीरो पर ही वन होता है, जीरो पर वन वन और 90 पर होता है जीरो होता है, तो जब ये चलेगा ना तो ऐसे ऐसा चलता है ना कॉस का, देख लो कॉपी में कॉस का ऐसे बताए थे यहां से ऐसे, ठीक है। अब बोलिए दोनों कहां पर कटेगा, साइन 45 वन बाई रूट टू और कॉस 45 वन बाई रूट टू, तो देखो यहां पर हुआ होगा कटा है ना, तो ये कितना डिग्री है मालूम है, पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर आई 90 पर कितना जीरो, ये किसका y बराबर cos और ये किसका y बराबर sin x, क्लियर है, किसी को दिक्कत है तो बोलना। अब कहां से कहां तक चलेंगे ध्यान देना, तो हम फंसे हुए कहां से कहां तक चलाने के लिए बोला है, जीरो से पाई बाई टू तक, लेकिन कौन एक्सिस, तो y एक्सिस तो ये है ना, तो यहां से यहां तो ये वाला चाहिए, इसका एरिया चाहिए, किसका एरिया चाहिए, इसका वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस का तो लिमिट कहां से कहां, जीरो से मिलेगा तो यहीं पर ना, गया है तो कहीं इधर थोड़ी मिलेगा, इधर तो एकदम खाली खाली जा रहा है,
बाउंड्री कहाँ बना रहा है? बाउंड्री तो देख रहा है कि रोक दिया, वाई एक्सिस ही रोक दिया, आइए यहाँ पर दोनों को मिला, आ इधर तो खुला हो गया, नहीं ना जा पाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया बोलिए कहाँ से कहाँ? जीरो से पाई बाई फोर। किसमें से किसको घटाइएगा? हमेशा ऊपर वाला में से नीचे वाला घटता है, बोलो यार, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटता है, तो कौन ऊपर में है? कॉस। तो कॉस और नीचे में कौन है? साइन। फिर से, ऊपर में कौन था? कॉस और नीचे में कौन था? साइन। और कौन एक्सिस बोल रहा था? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस वाला बाउंड्री था मेरा ये। तो बोलिए कॉस का माइनस साइन और साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, जीरो से पाई बाई फोर। अपर लिमिट रखे तो 45, तो पाई बाई फोर मतलब 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा। लोअर रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो लोअर रखेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ जीरो, तो साइन जीरो जीरो और कॉस जीरो वन, तो कितना हो जाएगा जी? देखो तो रूट टू माइनस वन है, रूट टू माइनस वन बी। हाँ जी, खत्म हुआ जल्दी।